श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 25 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री महापुराण कथा के आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। इसी कथा की सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कथा की पहली जानकारी, गुरुजी ने दो चीजें बहुत हानिकारक बताई हैं। पहला है स्वाद और दूसरा है विवाद। इन दोनों से आप दूरी बनाकर रखिए, शरीर बुद्धि और मन अच्छा रहेगा। कथा की अगली दूसरी जानकारी, क्रोध कुछ देर के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट पर हम उस क्रोध में अपना आपा खो देते हैं और अपने अपने घर से तलवार या बंदूक उठाकर किसी का सर फाड़ देते हैं, किसी की क्षति पहुंचा देते हैं, घायल कर देते हैं। छोटे से क्रोध ने कितना गलत काम करवा दिया कि आपको उससे 10 साल की जेल हो सकती है। तो ऐसे क्रोध से आप बचकर रहिए, अपना आपा मत खोइए। ताकि अगली तीसरी जानकारी, गुरु जी ने कहा अगर आप किसी चौराहे में जा रहे हो और वहाँ भिक्षा मांगने वाले दिख रहे हैं तो हम नहीं कहते कि उन्हें आप कुछ दो या मत दो, ये तुम्हारी मर्जी है। बस ऐसी स्थिति में तुमको महादेव को धन्यवाद जरूर कह देना चाहिए कि हे महादेव, तुमने मुझे इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। मैं 2-व्हीलर में हूँ, कार में बैठा हूँ और भजन कर पा रहा हूँ, अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, ये सब तेरी ही कृपा है भोलेनाथ। तो उसका 2 पल के लिए शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। ताकि अगली चौथी जानकारी, आज गुरुजी ने काफी अच्छी लाइन बोली है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। कथा की अगली पांचवी जानकारी, सरिता जायसवाल इंदौर से पत्र लेकर आई। कल मैं कथा सुनने आई थी, मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो चीज कल हो गई। 4 साल से एक इंटरव्यू दे के रखा था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। वो कल कथा सुनने के बाद घर गई थी और मेरी रेलवे की नौकरी का ऑर्डर आ गया था। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। ताकि अगली छठवीं जानकारी, दीपाली जी इंदौर से। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मंगल दोष बता रहा था, कोई कुछ दोष बता रहा था। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कामना की थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और मेरी बेटी की शादी 2.5 महीने के अंदर पक्की हो गई है। बाहर व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की अगली सातवीं जानकारी, कैलाश गहलोत पत्र लेकर आए। गुरुजी, शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं, मेरा बेटा 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन बता दिया था डॉक्टर ने। साथ ही डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि इसके बचने की उम्मीद नहीं है, इसे घर ले जाओ। 3 से 4 हॉस्पिटल गए, सभी ने मना कर दिया। फिर से जांच कराई, उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसका लीवर खत्म हो गया है, कोई भी डॉक्टर इसे बचा नहीं सकता। फिर मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उस बच्चे को दिया। डॉक्टर ने मना भी कर दिया था जल देने को, तो हमने आधी से आधी चम्मच जल दिया। फिर अगली सुबह 9 बजे डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो बताया कि लीवर ठीक होने लगा है और 40% ठीक हो गया है और काम करने लगा है। इसके बाद 7 दिन बाद बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई और उसका लीवर 100% काम करने लगा है। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। कथा की अगली आठवीं जानकारी, गुरुजी ने कहा जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो वहाँ जाकर मुस्कुराना जरूर, क्योंकि ऐसा होने पर महादेव कहते हैं इतनी मुसीबतों और परेशानियों के बाद भी मुस्कुरा रहा है, ये मेरा भक्त है। अब ये मेरे मंदिर में आएगा तो वो जैसा मुस्कुराता आया है वैसा ही जीवन में मुस्कुराते रहेगा, अर्थात महादेव उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। अगली 9वीं जानकारी, श्री महापुराण की कथा कहती है दान चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना, अगर धर्म चला गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आता है। कथा के अगली 10वीं जानकारी, जिंदगी में आप कैसा भी पहनावा रखो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो तो सार्थकता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा खूब VIP बनो, इतने VIP मत बन जाना कि सही और गलत नहीं समझ सको। कथा की अगली 11वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कथा में सब युवान बेटा बेटियां और बहुएं मिलेंगी, ज्यादा डोकरा डोकरी नहीं है और जितने भी बुजुर्ग आए हैं वो ओल्डिस गोल्ड हैं। इसके बाद कुछ बुजुर्ग माताएं खड़ी हुई जिनका अभिवादन गुरुजी ने हाथ जोड़कर किया। कथा की अगली 12वीं जानकारी, बेटा कभी अपने माता पिता को नरक जाने से नहीं बचा सकता, पर एक बेटी है जो बेटी अपने माता पिता को नरक जाने से भी बचा सकती है, अर्थात अगर बेटी का कन्यादान माता पिता नहीं करते हैं तो उन्हें 93 प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। केवल बेटी ही है जो इतने नरक भोगने से बचा सकती है सिर्फ कन्यादान का मौका देकर। कन्यादान का जो फल होता है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। कथा की अगली 13वीं जानकारी, लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में माँ ज्यादा रोती है, बल्कि श्री महापुराण की कथा कहती है एक बेटी की विदाई में माता से ज्यादा उसका पिता रोता है। अगली 14वीं जानकारी, जिस माता के बेटे या बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं या शंकर के मंदिर की देहरी चढ़ रहे हैं, उस घर के बुड्ढे बुजुर्ग कभी भी वृद्ध आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। कथा की अगली 15वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया शिव के द्वार में हम जब एक कदम चलकर जाते हैं तो जीवन के ना जाने कितने बंधन और पाप कट जाते हैं।
सिर्फ और सिर्फ महादेव के मंदिर में एक कदम मात्र रख देने से। ताकि अगली सोलहवीं जानकारी, शिव महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो वैकुंठ चले जाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे तो वैकुंठ चले जाओगे, अभिषेक कराओगे तो वैकुंठ चले जाओगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा यह कहती है अगर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, अभिषेक करते हो तो पूर्व में किए गए पाप कट जाते हैं। ताकि अगली सत्रहवीं जानकारी, कई माताएं बोलती है महाराज जी हम निरसुलभ धर्म होने पर भगवान का भजन करें या नहीं, तो इस पर गुरु जी ने कहा मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, खाना मत बनाओ, पर भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, भजन करने में कोई बुराई नहीं है, जरूर करें। कथा की अगली 18वीं जानकारी, सोमनाथ में चंद्रकुंड है जिसमें इन स्नान करने से त्वचा रोगों से लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रदेव को जब त्वचा का रोग हो गया था, काया का रोग हो गया था, तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने के बाद इसी चंद्रकुंड में स्नान करके अपने त्वचा रोग से मुक्ति पाई थी। लोगों को त्वचा रोग है, चर्म रोग है, काया का रोग है, अगर आप सोमनाथ जाते हैं तो वहाँ पे चंद्रकुंड में स्नान जरूर करें। आज की कथा के 18 उपाय, जानकारी और पत्र। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।